व्हाट्सएप नई खसूसियात और हिफाजत के साथ अपडेट होता रहता है, लेकिन इन नई अपडेट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। व्हाट्सएप जल्द ही कुछ एंड्रॉइड iOS डिवाइसेस के लिए सपोर्ट बंद कर देगा जो पुराने OS वर्जन पर चल रहे हैं। पैगाम रसानी का ये प्लेटफॉर्म यकम नवंबर से बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करना बंद कर देगा, यानी कि ये एप्लीकेशन कुछ डिवाइसेस पर काम करना बंद कर देगी। एप्लीकेशन का इस्तेमाल जारी रखने के लिए सारिफिन के पास नया डिवाइस खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तमाम चैट्स को बरकरार रखने के लिए सारिफिन को नए डिवाइसेस पर मुंतकिली से पहले अपनी चैट हिस्ट्री को बैकअप कर लेना चाहिए। वो डिवाइसेस जो एंड्रॉइड 4.0.4 और इससे पुराने वर्जन पर चलती हैं, वो मैसेजिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करना बंद कर देगी। मशहूर एंड्रॉइड डिवाइसेस जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकती, इनमें सैमसंग गैलेक्सी SII, गैलेक्सी S3 मिनी, ऑप्टिमस L5 डुअल, ऑप्टिमस L42 डुअल, ऑप्टिमस S7, ऑप्टिमस F7 और ऑप्टिमस F5 और देगर शामिल हैं। व्हाट्सएप चलाने के लिए कम से कम iOS 10 और इससे नए वर्जन की जरूरत पड़ेगी। iOS 10 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला कोई भी फोन यकम नवंबर से काम नहीं करेगा। iPhone X6, iPhone X6 Plus, Apple iPhone SE इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। JioPhone और JioPhone 2 दोनों को सपोर्ट मिलती रहेगी। नए डिवाइसेस पर स्विच करते वक्त सारिफिन को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी चैट्स और देगर डेटा का बैकअप कर लें, ताकि ऐप का इस्तेमाल कम से कम रुकावट के साथ जारी रखें।